राजधानी भोपाल में अनोखा स्टूडियो खोला गया है, जहां साधु संतों के बालों को सवारा जाता है। जी हां, ड्रेडलॉक स्टूडियो के नाम से फेमस हुआ ये स्टूडियो करिश्मा शर्मा चलाती हैं। इनका कहना है कि कई सालों की तपस्या और पूजा पाठ से संतों के बालों में गंदगी रम जाती है, जिससे उन्हें बीमारियों का खतरा रहता है। उन बालों से गंदगी निकालने उन्हें संवारने का काम किया जाता है, वो भी मुफ्त में। सेवा भाव बड़ी चीज है, लेकिन साधु अपनी इच्छा से कुछ न कुछ दे जाते हैं। अगर कोई साधु संतों जैसे बाल जटा रखना चाहता है तो वे लोगों को ऐसे बाल उपलब्ध कराती हैं और उसके लिए पैसे चार्ज करती हैं। ड्रेडलॉक स्टूडियो का जायजा लिया संवाददाता दीपक द्विवेदी ने। राजधानी भोपाल में ड्रेडलॉक स्टूडियो है और यहाँ पर साधु संतों के बाल संवारे जाते हैं या कहते बनाए जाते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर बाल बनाए जा रहे हैं और ये हमारे साथ करिश्मा शर्मा जी हैं। आप ये कैसे ये आइडिया आया कि मुझे ये करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, और आपने क्या पढ़ाई की है? पढ़ाई तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब तुमने ये चीज़ को कैसे चूज़ किया। तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि इंजीनियरिंग एक अलग चीज़ थी जिसे मैंने प्रॉपर कंप्लीट किया है, बट उसके बाद मैंने कंप्लीट टैटूइंग सीखा है। तो टैटू सीखते सीखते मैंने देखा कि जब हमारी टैटू की इंडस्ट्री है, जब हम बाहर जाते हैं कन्वेंशन में, तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं जिनके बाल बहुत लंबे, किसी के गूथे हुए हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उन्हें देख के, जो कि फॉरेन के भी है, कोई इंडिया के भी है। तो वो चीज़ एक कल्चर फिर से वापस आ रहा है, जैसे कि हमारे साधु संतों का होता है या गोरी बाबा का होता है। तो बेसिकली जो आर्टिस्ट होते हैं वो मतलब ही होता है उनका कलाकार। तो ये कलाकारी करने का शौक मुझे तब से आया जब मैंने बाहर के लोगों को ये चीज़ को देखा ऐसा। फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं शिवजी से बहुत ज़्यादा एक अलग कनेक्शन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि उनकी वेशभूषा बहुत ज़्यादा अलग है। तो वैसे मैंने खुद से करवाया वो चीज़ को। तो हाँ, जब भी मैं निकलती हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं, रुक के बोलते हैं कि आपने बाबा जैसा क्यों करा के रखा। तो वो चीज़ एक होता है कि एक अलग से एक अपनी पहचान, उस तरीके से लोग मुझे देखते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अभी तक कैसे कितने साधु संत हैं और कहाँ कहाँ के साधु संत आपके पास अब भोपाल में ड्रेडलॉक कराने आते हैं? ऐसे तो मेरे पास कम से कम 40-45 ऐसे तो गुरु हो गए। मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं वीडियो बिल्कुल नहीं शेयर कर पाती हूँ। एक उनकी भी मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि लोगों की नज़र में ये चीज़ होती है कि वो क्यों पार्लर जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता ये पार्लर नहीं होता है। एक है कि अगर हम उस चीज़ के बारे में अगर वो मुझसे कुछ चीज़ पूछ सकते हैं तो मैं उनको बता रही हूँ, बट लोग उसको गलत ना समझे उस चीज़ के लिए। तो बस एक सेवा भाव है मेरे अंदर, जो चीज़ मैंने सोचा कि मैं उनके लिए बिल्कुल शुरू करूँ। आपने बाल में अंगूठियाँ लगाई है, क्या कारण है इसका? इसका कारण कुछ नहीं है, साधु का श्रृंगार होता है। बंसल न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र सिंह के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल।